हमको भाजपा लोकसभा का टिकट दे, हम पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। हमको भाजपा लोकसभा का टिकट दे, हम पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जिसको जहां मन भर रहा है, जहां सुटेबल समझ रहा है, वहां लोग जा रहा है। चार पैर के जानवर को आप बांध सकते हैं, दो पैर को किसी को आप बांध नहीं सकते हैं। मैं किसी पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा आपको भी इसके लिए नहीं, लेकिन अब पार्टी समझेगी जो पाला बदला है वो किनके आदमी थे और किनके द्वारा टिकट दिलवाए गए थे। भाई वीरेंद्र को कोई खरीदने वाला इस धरती पर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। महागठबंधन के लगातार जो विधायक है वो टूट रहे हैं। आज एक विधायक और टूट गया और देखिए कांग्रेस के भी दो विधायक एनडीए में चले गए थे। अब चर्चाएं नीतू सिंह पर चल रहा था। देखिए कांग्रेस की महिला विधायक है, सदन पहुंचती है, साफ शब्दों में कहती है कि जब नवादा से हमको बीजेपी टिकट देगी तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए ये साफ खुला ऐलान नीतू सिंह का है, हम आपको वो भी बयान सुनवाएंगे। पर भाई वीरेंद्र जिस तरीके से तमाम कई विधायक हैं वो पाला बदल रहे हैं, सबसे पहले हम आपको नीतू सिंह का सुनवाने जा रहे हैं कि इन तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, उसके बाद आप भाई वीरेंद्र को भी सुनिए। पार्टी से आपको उसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है भारतीय जनता पार्टी? कोई बातचीत किसी से हमको नहीं हुई। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोकसभा का टिकट मिलेगा तो ये अथी मीडिया के माध्यम से विधायक है क्या बोलिएगा मैम? भाजपा के किसी नेता ने आपको बोल रहे हैं? हमको भाजपा के किसी नेता से हमको बात नहीं हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी की एमएलए हूँ और कांग्रेस पार्टी से एमपी का इस बात की गारंटी नहीं है क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि भाजपा टिकट देगी चले। अरे आप लोग बोल रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर रही है, उस पर मैं बोली कि भाजपा के लोग हमको अगर सांसद का टिकट नवादा से देंगे तो सोचूंगी। सोचोगी नहीं, आप बोले कि ज्वाइन कर लेंगे। देंगे तब ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लेंगे तो कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगी आप? नहीं, अभी अभी कोई ऐसा फिलहाल नहीं। पहले भी कई विधायक हैं जो पाला बदल चुके हैं, जो गए हैं उसके बारे में कहिए। हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहे। आप ही दोनों बात कर रहे हैं, आप ही कह रही कांग्रेस के हैं कांग्रेस में रहेंगे टिकट। अरे आप लोग अभी प्रेस वाले लोग पूछे कि भाजपा में आप जा रही हैं, उस पर मैं बोली कि नवादा जो है बाहरी को हमेशा सांसद बनाया है, इस बार नवादा के लोग लोकल को। एक तरफ आप एक तरफ आप कह रहे कि हम कांग्रेस के हैं कांग्रेस में रहेंगे, दूसरी तरफ कह रहे कि टिकट मिलेगा तो भाजपा में चले जाएंगे। भाजपा के लोग टिकट देंगे तो सोचेंगे। देखिए किस तरीके से करेगी, हमारे जो मन में था वो मैं कांग्रेस पार्टी को बता। कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं? हम कांग्रेस को छोड़ना कहाँ चाह रहे हैं। चलिए तो आप कांग्रेस से भी डिमांड कर सकती हैं लोकसभा का? हम डिमांड किए हैं, मतलब जहाँ नहीं मिल रहा है इसलिए आप बीजेपी जाना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैडम जहाँ से क्या करेंगी अगर बीजेपी टिकट देती है तो आप क्या करेंगे? अरे बीजेपी के अपने लोगों से फुर्सत है जी कि हम लोग को टिकट देगी, भाजपा जब टिकट देगी तो सोचेंगे। विपक्ष का यही आरोप लग रहा है कि जो टिकट दे रहे हैं वो जा रहे हैं भाजपा के साथ। देखिएगा जो लोग मिले हैं, कितना लोगों को टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ए हमको फ्लाइट पकड़ना है, लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं एकदम। हम जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी विधायक हैं, तो हम नवादा से लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस या फिर बीजेपी जो टिकट देगी उसके जो टिकट देगा उसे लड़ेंगे। जाइए रोक लीजिए, हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा। हो जाएगा मैडम, एक मिनट रुकिए। ये बताइए आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस टूट रही है? अब कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस चार पैर के जानवर को आप बांध सकते हैं, दो पैर को किसी को आप बांध नहीं सकते हैं। जिस आदमी को मन हो जाएगा कि हमको पाला बदल देना है तो दुनिया का कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है। जिसको जहां मन भर रहा है, जहां सुटेबल समझ रहा है, वहां लोग जा रहा है। तो आपको अगर बीजेपी की तरफ से लोकसभा का टिकट ऑफर किया जाएगा तो पाला बदलेंगे आप? लोकसभा का टिकट दिया जाएगा तब सोचेंगे। चलिए किस समय का इंतजार कर रही है? हमको भाजपा लोकसभा का टिकट दे, हम पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। भाजपा लोकसभा का भैया, मैं किसी पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा इसके लिए नहीं। भाई वीरेंद्र को अगर बहुत बड़ा पद भी मिलने वाला होगा तो भाई वीरेंद्र अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मैं उस दिन से हूँ जब लालू यादव की राजनीति एमपी से एमएलए हुए थे, तब से मैं लालू यादव के साथ हूँ। और भाई वीरेंद्र को कोई भी ऑफर मिलेगा वो ऑफर स्वीकार नहीं करेगा। ऑफर तो कई बार आया हमारे पास, लेकिन मैं पक्का हूँ और सिद्धांतवादी आदमी हूँ। नहीं अरे भाई कौन स्वीकार कर रहे हैं? ये जानकारी हमको नहीं है किसने पाला बदला है, लेकिन अब पार्टी समझेगी जो पाला बदला है
वो किनके आदमी थे और किनके द्वारा टिकट दिलवाए गए थे। दलितों में ज्यादा नजर है। नहीं समझे, नहीं समझे। आपको भी आया था क्या ऑफर भाई वीरेंद्र जी? भाई वीरेंद्र की सर बार बार बोलने दो ना। भाई वीरेंद्र को कोई खरीदने वाला इस धरती पर नहीं है, लेकिन आया था। भाई वीरेंद्र सिद्धांत से चलने। तो अभी आप नीतू सिंह और भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। देखिए लोकसभा का चुनाव होना है 24, इसी साल चुनावी वर्ष है, कई लोग हैं जो टिकट के रेस में हैं, पर 40 लोकसभा सीट पर बिहार में चुनाव होने हैं। और देखिए किस तरीके से जो विधायक हैं जो टूट रहे हैं महागठबंधन को छोड़ के NDA में जा रहे हैं, कई जो सवाले हैं वो खड़ा हो रहा है। आज एक और जो RJD के विधायक है भरत बिंद, वो भी NDA में शामिल हो गए, पर कांग्रेस की महिला विधायक नीतू सिंह का भी नाम सुर्खियों में था। और नीतू सिंह जब बिहार विधानसभा पहुंचती हैं तमाम बातें रखती है, पर उनका यह भी कहना होता है कि जो पार्टी हमको चुनाव लड़वाएगी लोकसभा चुनाव नवादा से, उसके पार्टी में जाएंगे। देखिए साफ शब्दों में कहते दिख रही है, हालांकि जब बाद में पूछा गया तो उसी बयान को वो घुला रही हैं, पर हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया कि किस तरीके से नीतू सिंह का बयान था। एक और जहां तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं, पर नीतू सिंह जब सदन पहुंचती हैं तमाम लोग सवाल करते हैं मीडियाकर्मी के, और किस तरीके से जवाब सामने से आ रहा है वो भी हम आपको सुनवा रहे थे। पर अब देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से आगे का जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपने विधायक को बचा पाते हैं, क्योंकि लगातार जो विधायक हैं वो टूट रहे हैं। और सदन में पहुंचकर जो कांग्रेस की महिला विधायक है नीतू सिंह, वो खुली तौर पर कह सकते हैं कि कहीं है कि जो नवादा से टिकट देगा तो हम सोचेंगे। उसके बाद कहती हैं कि ठीक है जा भी सकते हैं, पर अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बिहार में माहौल है वो गर्म है, तमाम जो विधायक हैं वो टूट रहे हैं। और कांग्रेस की महिला विधायक नीतू सिंह का हमने आपको बयान सुनाया, भाई वीरेंद्र का बयान सुनवाया कि तमाम लोग अब कहीं ना कहीं महागठबंधन को छोड़ के NDO की ओर बढ़ रहे हैं। कहा अभी ये भी जा रहा है कि अभी और विधायक हैं जो रेस में हैं, और विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे किनकी जो नाम है वो सामने आती है। आपने देखा कांग्रेस के मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ और आज एक RJD के विधायक भरत बिंद किस तरीके से पाला बदल लिया। इसके पहले नीलम देवी थी, चेतनानंद थे, और भी जो लोग हैं वो अपना पाला बदल रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी जो तस्वीरें क्या कुछ निकल के सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।